नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जन सेवा केंद्र संचालक को पीट कर 1.5 लाख लूटे, बाइक सवार 3 लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित का प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे कोतवाली लाया गया था, उसकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच चल रही है। पीड़ित की तहरीर पर रात में ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अचलगंज थाना क्षेत्र के हुलासखेड़ा निवासी शिवम राजपूत 22 वर्षीय सदर कोतवाली के बाबा खेड़ा के पास जन सेवा केंद्र चलता है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहा था। उसकी दुकान से करीब 400 मीटर दूर पहले से खड़े सफेद अपाची बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोका और बिना कुछ बात किए पीटने लगे। पीड़ित के मुताबिक उसमें से एक यह बोल रहा था कि यही है, लेकिन जब पीटने का कारण पूछा गया तो बदमाशों ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद बैग में पड़े 1.5 लाख रुपए, एटीएम और क्रेडिट कार्ड लेकर बदमाश अचलगंज की ओर भाग निकले। सूचना पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, एएसपीपी उत्तरी अखिलेश सिंह, सीओ सदर सोनम सिंह, सीओ बीगापुर ऋषिकांत शुक्ला मौके पर पहुंचे। मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज, पीड़ित को पास के निजी अस्पताल में इलाज कराया और बयान दर्ज किए। पीड़ित के पास इतने रुपए कहां से आए, फिलहाल वह अभी इसका जवाब नहीं दे पाया है। तहरीर के आधार पर रात में ही अज्ञात के खिलाफ मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस एसओजी, सीओ और कोतवाल को लगाया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।